हेलो दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल है ग्लो अप विद अनु। सो मैं लेकर के आ गई हूँ एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ गुड वाइब्स के दो टोनर का रिव्यू करने के लिए जा रही हूँ मैं। और वो दो टोनर है रोज़ ग्लो टोनर, वो रोज़ ग्लो टोनर एंड सेकेंड है ये मेरा ब्राइटनिंग राइज टोनर। सो मैं आप लोगों को बताना ये चाहूँगी कि टोनर इस्तेमाल करना इतना ज़रूरी क्यों है। बहुत लोगों का सवाल यही होता होगा कि टोनर लगाना इतना भी क्या ज़रूरी है भाई साहब। तो मैं आपको बता दूँ क्यों ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि जब भी आप जब फेस को अपना वॉश करते हो ना, तो आपका स्किन का जो पीएच लेवल होता है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि फेस वॉश में केमिकल वगैरह होता है। तो केमिकल से आपका स्किन का जो पीएच लेवल होता है इम्बैलेंस हो जाता है। तो टोनर क्या करता है ना, जो आप स्प्रे करते हो ना, टोनर जब आपकी स्किन पर जाता है ना, तो आपका जो पीएच लेवल है ना, उसको बैलेंस करता है। और सेकेंड, आपके फेस को हाइड्रेट करता है, तो जिससे आपका स्किन ड्राई नहीं होगा। ड्राई होने से बहुत ज़्यादा आपका स्किन मुरझाया हुआ सा दिखता है, जिससे आपके फेस पे ग्लो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो हाँ, ये दो तीन बेनिफिट है। आप इसको इस्तेमाल करने के कुछ दिन के बाद से अपने स्किन में काफ़ी चेंजिंग देखने लग जाओगे, काफ़ी डिफरेंस आपको स्किन में आपके दिखने लग जाएंगे। लड़कियाँ हो या लड़के यार, कोई भी अपने स्किन केयर में अपना ज़रूर से ज़रूर अपने टोनर को ऐड करें। जिस टाइप का भी आपका स्किन टाइप्स हो, वही सभी टोनर चूज़ करें, बट हाँ, अपने स्किन केयर में ऐड करें। सो फर्स्टली मैं जा रही हूँ रिव्यू करने के लिए ये रोज़ ग्लो टोनर के बारे में। और इसके पीछे मेंशन किया है कि ये क्या क्लेम करता है, ये हम जानते हैं कि ये क्या क्लेम करता है। नोन फॉर इट्स स्किन सूटनिंग प्रॉपर्टीज़, रोज़ कीप्स द स्किन हाइड्रेटेड एंड ग्रेडियंट, दिस टोनर मेक्स योर स्किन सॉफ्ट सपल एंड फ्रेश। सो हाँ, ये क्लेम करता है कि ये आपके स्किन को रेडिएंट प्रोवाइड करता है और आपके स्किन को सॉफ्ट बनाता है। और इस पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये आपके स्किन के टेक्सचर जो होते हैं उसको इम्प्रूव करता है, और आपके फेस का जो ग्लो है उसको इन्हेंस करता है, एंड आपके पीएच स्किन का जो पीएच लेवल है उसको भी बैलेंस करता है, और इंस्टेंटली आपके स्किन को रिफ्रेश फील करवाता है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, और अपने स्किन केयर रूटीन में मैंने इसको ऐड किया हुआ था इस टोनर को। तो ग्लो का मुझे नहीं पता, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसा मैंने फील किया और जैसा मुझे रिजल्ट मिला। तो अकॉर्डिंग टू मी कि ये मेरे स्किन को ऐसा ग्लो प्रोवाइड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इंस्टेंट ग्लो, बट हाँ, मेरे स्किन के टेक्सचर में काफ़ी सुधार आया है। मेरे स्किन का जो टेक्सचर है उसमें काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बेटर हुआ है, पहले से सॉफ्ट हुआ है। और हाँ, जब इसको मैं लगाती हूँ तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होता है, और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो सिंपली मेरा बस सिंपल सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हाँ, आपके स्किन को ये सॉफ्ट करता है और आपके स्किन को काफ़ी रिफ्रेश भी फील करवाता है, बट हाँ, इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड नहीं करता है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। तो सेकेंड मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ब्राइटनिंग राइज टोनर के बारे में। तो इसमें क्या क्लेम किया हुआ है, पहले हम वो आइए जानते हैं। सो इसमें क्लेम किया हुआ है, इन्फ्यूज विद द स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ of rice, this fast penetrating liquid enhances skin tone, purifies skin and deliver a quick hit of hydration, will minimize the visible pores and balancing the skin pH level. So yeah, इसमें mention किया हुआ है कि ये आपके skin को bright करता है, ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है, और इन्हेंस स्किन टोन, आपके स्किन टोन को इन्हेंस करता है, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है आपके स्किन को उसको प्योरीफाई करता है आपके स्किन को, एंड आपके जो पोर्स होते हैं ना, ओपन पोर्स होते हैं, उसको मिनिमाइज़ करने में काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है, इसमें क्लेम किया हुआ है। और यस, मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो मैं बता सकती हूँ या ये आपके स्किन को ब्राइट करता है। मुझे ये सूट किया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे सूट किया है, क्योंकि होता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे स्किन में सूट नहीं करता है, बट मैं ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ मैं अपनी, तो ये मुझे सूट किया है। और मैंने और सेकेंड चीज़, इससे मुझे बेनिफिट मिला है कि नहीं, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो हाँ, इसको मैंने जब तक इस्तेमाल किया, यस, मेरा जो स्किन था वो थोड़ा सा क्लियर होते जा रहा था। दैट मीन्स कि ये ब्राइटनिंग का जो इस पर मेंशन किया हुआ है, ब्राइटनिंग में वर्क करता है आपके स्किन पे, यस। और सेकेंड, आपके स्किन टोन को इन्हेंस करता है, एग्जैक्टली। मेरे थोड़ा सा मेरा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो हाँ, उस पर मेरा काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा था जब तक मैं इसको इस्तेमाल कर रही थी, और आपके हाँ, पोर्स को मिनिमाइज़ कर रहा था। हाँ, काफ़ी हद तक मुझे ये फील हुआ कि ये मेरे पोर्स, अब देखिए, कोई भी चीज़ तो एकदम से वर्क करना स्टार्ट नहीं कर देता है ना, आप उस चीज़ को कंटिन्यू आप इस्तेमाल करते रहते हो, एंड देन धीरे धीरे आपको फील होता है, और आपके जो प्रॉब्लम्स है उस पर भी वर्क करता है, तब आपको फील होता है कि हाँ, ये मेरा वर्क कर रहा है। एक्चुअली मैंने इसको स्टॉप कर दिया था इस्तेमाल करना, क्योंकि मैंने
दूसरा टोनर इस्तेमाल कर रही थी, तो इसकी वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे चीज़ों का रिव्यू करना रहता है ना, तो उसको भी यूज़ करके इस्तेमाल करके मुझे देखना पड़ता है ना कि उसका कैसा वर्क है नहीं है, मुझे फिर वीडियो बनानी रहती है। दैट्स वाई मैंने इसको स्टॉप कर दिया था लगाना, बट मैं जब तक लगाती थी तब तक मुझे यही फील हुआ कि हाँ मेरे जो ओपन पोर्स है वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो रहे थे, बट हाँ मैंने स्टॉप कर दिया था, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ उसके बाद से मेरा पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो फिर से मुझे विजिबल होने लग गए थे। तो हाँ ये ब्राइटनिंग में काफ़ी वर्क करता है, आपके स्किन टोन को काफ़ी हद तक आपके इम्प्रूव करता है और आपके जो है उस पर भी वर्क करता है। अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए कि आपको कैसा सूट कर रहा है और आपके पोर्स पे इसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो ये जो टोनर है इसकी क्वांटिटी है 120 ml, और इसका जो प्राइस था वो 170 के अराउंड था, और पर्पल पे ये हमेशा ऑफर में आते रहते हैं। इवन सारे प्रोडक्ट पर्पल पे जो गुड वाइब्स के हैं वो हमेशा ऑफर में ही रहते हैं, और सो आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो। और तो ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों टोनर का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है आप लोगों को उससे हेल्प हुआ हो और आप लोगों को पसंद आया हो। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने स्किन केयर से रिलेटेड ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो अपडेट होती रहती है मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करने से आपको इजीली नोटिफिकेशन में शो कर जाएगी मेरी वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में।